पूना स्थित रजनीश आश्रम में विपश्यना ध्यान होता है और आप जिस पद्धति से विपश्यना ध्यान करवाते हैं उसमें क्या कोई फर्क है? किसी दूसरे की क्या निंदा करें? उस बेचारे ने आध घंटे हमसे बात की, विपश्यना कैसे होती है, कैसे शुरू होता है, तो आनापान की बात बताई उसे, तो सांस लेते हैं तो कितने प्रकार के सांस लेते हैं, तो बर्मा में चार प्रकार के सांस की साधना होती है, उनमें से सिखाया चार इस तरह से होती है, तो एक उसमें से ये कि भस्त्र का जोर जोर से सांस लो, थका दो, और थका करके आध घंटे थका के फिर लेटाओ तो बड़ी शांति मिलेगी, बस निर्वाण मिल गया, ऐसा ही बर्मा में चलता है। तो चारों समझाए तो कहा यही ठीक है और शुरू कर दी। अरे कहां विपश्यना और कहां भस्त्रिका है? अब बेचारा चला गया, रहता तो उसको समझाते, क्या करें, किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, करके देखो, वो भी करके देख लो, उस सांस को भस्त्रिका से चला के भी देख लो और इसमें आकर के देख लो। धर्म का मार्ग सूक्ष्मता की ओर जाने का है, स्थूल तो दिन रात अनुभव हो रहा है, और सांस को स्थूल करके क्या करेंगे? सांस को देखते देखते वो अवस्था आती है जब सांस इतना सूक्ष्म हो जाए, एक तागे की तरह इतना सूक्ष्म और इतना छोटा कि जैसे आया वैसे वापस गया, यू टर्न करने लगेगा और यूं लगेगा जैसे कुंभक लग गई, और सचमुच कुंभक लग जाती है। कई देर तक वो रास्ता हमको स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला, परम सूक्ष्म अवस्था तक ले जाने वाला, परम सत्य की सूक्ष्मता ले जाने वाला, और कहां स्थूलता की ओर जाए। तो बर्मा में जो ये चला उसकी निंदा हुई, लेकिन चला। अब किसी भाई ने वो शुरू कर दिया तो हम क्या करें इस बात का? दोनों को करके देखो तो धर्म खूब समझ में आए।